हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे तने के भूमिगत रूपांतरण। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तने के भूमिगत रूपांतरण में सबसे पहले हम बात करेंगे कंद की, बात करेंगे ट्यूबर। कंद क्या है? जैसे आलू है, हाथी चौके हैं, एक प्रकार से कंद के क्या हैं, उदाहरण हैं। जैसे ये आलू कंद है जिसके ऊपर ये पर्वतश्रेणियां हैं, इसके अंदर तने की भूमिगत शाखाएं होती हैं जो खाद्य पदार्थ का संचय करके क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है, जो अनियमित आकार का होता है, जो एक प्रकार से क्या होता है, अनियमित आकार का होता है, जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, पर्वतश्रेणियां पाई जाती हैं। अर्थात आलू के ऊपर ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से पर्वतश्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे ऊपर की ओर यानी कलिका और नीचे की ओर अपस्तनिक जड़ें उत्पन्न होकर एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान रहे, आलू क्या है, कंद है, आलू कंद है और जो अनियमित आकार का है और जिसके ऊपर ये पर्वतश्रेणियां पाई जाती हैं और इन पर्वतश्रेणियों से ऊपर की ओर वायु कलिका और नीचे की ओर जड़ें उत्पन्न होकर एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से नंबर दो बात करें प्रकंद। राइजोम, जैसे अदरक हैं, हल्दी हैं, यदि इसकी हम बात करें एक प्रकार से भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करेगा, एक प्रकार से गूदेदार भूरे रंग का होता है, जो मृदा में किधर बढ़ता है, क्षैतिज बढ़ेगा। इसके ऊपर भी क्या पाई जाती है, पर्वतश्रेणियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, पर्वतश्रेणियां, जिससे ऊपर की ओर कलिका और नीचे की ओर जड़ें उत्पन्न होकर एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। ये पर्वतश्रेणियां हैं और नीचे की ओर जड़ें उत्पन्न होकर एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रकंद है, अदरक है, हल्दी है, टाइफ है, कमल है, एक प्रकार से ये किसके उदाहरण है, प्रकंद के हैं। तो ध्यान रहे प्रकंद। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नंबर तीन घनकंद, जिसे बोलते हैं कॉर्म बोलते हैं। जैसे केसर हैं, कचालू हैं, अरबी हैं, ये घनकंद के उदाहरण हैं। जैसे आपके सामने है ये केसर हैं और इसके ऊपर ये हैं शल्क पत्र हैं और यहाँ एक प्रकार से पर्वतश्रेणियां पाई जाती हैं, पर्वतश्रेणियां पाई जाती हैं जो शल्क पत्रों से क्या होती हैं, ढकी होती हैं, ये शल्क पत्रों से ढकी होती हैं और यहीं से एक प्रकार से क्या निकलती है, कलिका निकलती है
और कलिका निकल के यहाँ एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान रहे, तो एक प्रकार से ये घनकंद है, अर्थात ये कैसा होता है, गोल होता है, गठीला होता है, और कैसे मृदा में कैसे बढ़ेगा, उर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। ध्यान रहे, कैसे वृद्धि करेगा, उर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, और जिसके ऊपर परव संधियाँ पाई जाती हैं, जो शल्क पत्रों से क्या होती हैं, ढकी होती हैं। ये किससे ढकी होती हैं, शल्क पत्रों से, और यहीं परव संधियों से कलिका निकलती है और एक नई पादप का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका उदाहरण आपके सामने केसर कचालू है। अर्थात ये किधर बढ़ेगा, उर्ध्व बढ़ेगा, ये किधर बढ़ता है, क्षैतिज बढ़ेगा। ध्यान रखना है आपको। नंबर चार है जिसे शल्क गंध बोलेंगे, शल्क गंध बल्ब। शल्क गंध क्या है, आपको बताया गया था कि शल्क गंध जैसे प्याज है, लहसुन है, एक प्रकार से शलकंद का उदाहरण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तना, ये तना है, और शल्क पत्रों के मिलने से, शल्क पत्रों के मिलने से क्या बनता है, बल्ब। अर्थात हम कह सकते हैं शलकंद का क्या होता है, निर्माण होता है। नीचे का सिरा चपटी के समान गोल होता है, जिससे क्या निकलती हैं, अपस्तानिक जड़ें निकलती हैं, और ऊपर की ओर क्या उत्पन्न होती है, कलिका उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान रखें, शलकंद का प्याज है, लहसुन है, ये किसका उदाहरण है, एक प्रकार से शल्क कंद का क्या है, उदाहरण है। तो कंद आपको इसमें एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे आलू ये क्या है, कंद है। प्रकंद का उदाहरण आप अदरक हल्दी है, टाइफ है, कमल है। घनकंद में आपको ध्यान केसर है, कचालू है, अरबी है, जैसे जमीकंद है, एक प्रकार से घनकंद के उदाहरण हैं। और शलकंद की बात करें तो एक प्रकार से प्याज और लहसुन है। तो ये हैं तने के भूमिगत रूपांतरण। ध्यान रखना है कि तने के क्या हैं, भूमिगत रूपांतरण है। तो आलू एक प्रकार से क्या है, आप कह सकते हैं तने का क्या है, रूपांतरण है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से अदरक है, ऑप्शन आपको डाल देगा, कंद, प्रकंद, घनकंद और शलकंद, तो आपको पहचान है। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रत्येक के एग्जाम्पल याद रखने हैं। ध्यान रखें, कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से हल्दी है, ऑप्शन डाल दिया गया, कंद डाल दिया गया, प्रकंद डाल दिया गया, घनकंद डाल दिया गया, शलकंद डाल दिया गया, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, प्रकंद बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे तने के भूमिगत रूपांतरण, और इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।